जब अपन डरता है ना, तब अपन बहुत मारता है। आपकी अपकमिंग फिल्म गणपत का टीजर आपके रोंगटे कैसे खड़े कर देगा? कब ये फिल्म रिलीज होने वाली है? टाइगर श्रॉफ ने क्या कहा है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयार। फाइनली टाइगर श्रॉफ ने अपनी एक बड़ी फिल्म की अपडेट दे दी है गणपत, और उसका टीजर लॉन्च किया है, अपने इंस्टाग्राम हैंडल में भी पोस्ट किया है, और उसका कैप्शन जो है हम सबका ध्यान अट्रैक्ट करता है। उन्होंने लिखा है, दिस इज वेरी स्पेशल फॉर मी और स्पेशली फॉर यू गाइस, मतलब कि हमारे बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें दिखने वाला है पहले से भी ज़्यादा एक्शन, पहले से भी ज़्यादा थ्रिल। ऑलरेडी टाइगर श्रॉफ इतना भयंकर एक्शन करते हैं और उससे भी ज़्यादा क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। और आप टीज़र में देख सकते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं बड़ी बड़ी, और साथ में चारों तरफ आग लगी हुई है, बिजली कड़कती है। फिर आते हैं हमारे टाइगर श्रॉफ और उनकी बॉडी देखिए, इस बार जो शेप है उनका बॉडी का बिल्कुल ही अलग है। बहुत ज़्यादा मेहनत टाइगर श्रॉफ अपनी बॉडी के करते हैं और वो मेहनत दिखती भी है। साथ में ऑस्टिन लिखा हुआ है जो कि अमेरिका में है। फिल्म की कहानी इस तरह से होने वाली है कि टाइगर श्रॉफ एक छोटी सी जगह के बच्चे हैं, फिर वो बड़े होते हैं, बॉक्सर बनते हैं, और फिर छोटी सी जगह से निकल के वो फॉरेन कंट्री पहुंचते हैं, वहां भी अपने देश का नाम रोशन करते हैं, और काफी कुछ खास है। और वॉइस ओवर जो टाइगर श्रॉफ का आ रहा है उसमें वो बोल रहे हैं, जब अपन डरता है तब अपन बहुत मारता है, मतलब बहुत ज्यादा धुलाई इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ करने वाले हैं क्योंकि बॉक्सर वो बनने वाले हैं। और इसको दो पार्ट्स में बनाया जाने वाला है, गणपत चैप्टर 1 और गणपत चैप्टर 2। चैप्टर 1 में टाइगर श्रॉफ कैसे ये स्ट्रगल उनका है छोटी सी जगह से फिर बॉक्सर बनना, ये दिखाया जाएगा। और अगले पार्ट्स में उनके जो डैड है उनका कुछ बॉन्ड दिखाया जाना है जो कि अब तक की खबरें हैं। और इसके अलावा टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं विकास बहल, जो कि टाइगर श्रॉफ के गुरु कहे जाने वाले, ऋतिक रोशन के साथ भी काम कर चुके हैं सुपर 30 में, और फिर गुरु की राह चल पड़ा है चेला, और विकास बहल पर भरोसा किया है, भरोसा किए जाने लायक भी हैं क्योंकि पहले विकास बहल ने जब ऋतिक रोशन के साथ फिल्म की थी सुपर 30, उस टाइम कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था और ऋतिक को कहा था कि किस एक्टर किस डायरेक्टर के साथ काम किया जा रहा है, लेकिन जब सुपर 30 रिलीज हुई तो उसने धमाल मचा दिया। और अब टाइगर श्रॉफ भी गणपत चैप्टर 1 से कुछ ऐसा ही कमाल करते हुए दिखाई देंगे, और उन्होंने ये टीजर देखे हम सबको बहुत बड़ा गिफ्ट भी दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं बागी 4 उनकी ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी है, हीरोपंती 2 में वो दिखने वाले हैं। तो टाइगर श्रॉफ के फिल्मी पिटारे में बहुत कुछ खास है। आप बताइए कि आपको गणपत चैप्टर 1 और गणपत चैप्टर 2 का कितना इंतजार है। साथ ही आपको बता दूं कि जो टीजर आया उसमें लिखा है रिलीजिंग 2022, यानी कि 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा गणपत चैप्टर 1 का, इससे पहले उनकी बाकी फिल्में रिलीज हो चुकी होंगी। ये टीजर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। टाइगर की फिल्मों का कितना इंतजार होता है ये भी लिखिए, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़।